हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी इंडिया पे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के फिजिक्स की सीरीज को। और क्लास नाइन्थ में जो हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है या पहला चैप्टर कवर करना है वो है मोशन। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस मोशन चैप्टर के अंदर हमें किन किन टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन कवर करते हुए आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मोशन में जो सबसे पहला टॉपिक हमें कवर करना है या जो सबसे पहली टॉपिक हमें पढ़ना है वो है स्टेट्स के बारे में। दैट मींस कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होते हैं या कोई भी बॉडीज जो होती हैं उनके फिजिक्स के टर्म में कितने स्टेट्स होते हैं इनको जानना है। तो फिजिक्स के टर्म में किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के दो ही स्टेट्स होते हैं, एक तो होता है रेस्ट एंड एक होता है मोशन। और इन्हीं रेस्ट वाले स्टेट को हम स्टेशनरी स्टेट्स के भी नाम से जानते हैं। तो इन बातों को हम कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी बॉडी ने एक सर्टेन पाथ में कितना डिस्टेंस, कितना लेंथ कवर किया है वो होता है डिस्टेंस। और ये जो डिस्टेंस है उसमें हम डायरेक्शन के रिगार्डिंग बात नहीं करते हैं। तो किसी भी बॉडी ने, किसी भी ऑब्जेक्ट ने किसी एक पाथ के अक्रॉस कितनी लेंथ कवर की है डिस्टेंस को ध्यान में ना देते हुए, डायरेक्शन को ध्यान में ना देते हुए ये हो जाती है डिस्टेंस। और जब हम डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में बात करने लग जाए डिस्टेंस को तो वही हो जाती है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इसमें वो है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है? तो मोशन तो हमने यहां से जान लिया रेस्ट एंड मोशन से। अब लास्टली नेक्स्ट हमें क्या देखना है? यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो कोई भी बॉडी अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो वो हो जाता है यूनिफॉर्म मोशन। और कोई भी बॉडी अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो वो हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना होगा वो होगा स्पीड। दैट मींस कि किसी भी बॉडी ने कितने डिस्टेंस कवर की है पर यूनिट ऑफ टाइम, वो हो जाएगा स्पीड। नेक्स्ट, स्पीड के ही साथ अगर हम डायरेक्शन की बात कर दें, स्पीड में हम डायरेक्शन की रिगार्डिंग बात नहीं करेंगे कि किसी भी बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है पर यूनिट टाइम, अगर वहां पे डायरेक्शन की बात नहीं करी जा रही है दैट मींस कि वो स्पीड हो गया। और डायरेक्शन के रिगार्डिंग अगर हम बात कर दें तो वही स्पीड क्या हो जाती है? वेलोसिटी हो जाती है। नेक्स्ट उसके बाद हमें एक्सेलरेशन की बात करनी है कि दैट मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का। तो इन सारी बातों को हमें कवर करना है। नेक्स्ट जब हम इतनी बातों को कवर कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होते हैं? तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। इन तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन को हम बहुत ही अच्छे से इस सर्टेन टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो तीन जो इक्वेशन होते हैं वो क्या होते हैं? वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यही तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं और इन्हीं तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो भी मोशन है उसको ग्राफ को यूज करते हुए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसकी बात हम करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। ग्राफ दैट मींस व्हाट? कि x एक्सिस और y एक्सिस के रिगार्डिंग किस तरीके से हम मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे, मोशन को डिफाइन करेंगे ग्राफ के टूवर्ड्स। तो ये हो जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के अंदर। अब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे तो दो तरीके के ग्राफ्स को हमें यहां पे डील करना है। सबसे पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में x एक्सिस के अक्रॉस टाइम हो जाएगा, y एक्सिस के अक्रॉस डिस्टेंस हो जाएगा। तो x और y जब डिस्टेंस और टाइम हो जाएंगे तो वही ग्राफ क्या हो जाएगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाता है। और नेक्स्ट एक और जो तरीके का हमें ग्राफ पढ़ना है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ भी बोला जाता है, स्पीड टाइम ग्राफ भी बोला जाता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस के अक्रॉस टाइम हो जाएगा और वाई एक्सिस के अक्रॉस वेलोसिटी हो जाएगी,
या स्पीड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस टॉपिक के अंदर कि किस तरीके से हम मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो दो तरीके के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो जिस तरीके से हम ग्राफ को यूज कर रहे हैं मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी ग्राफ को यूज करते हुए यहां पे जो हमने तीन इक्वेशंस को पढ़ा था, उन तीनों ही इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड ग्राफ्स को यूज करते हुए हम डिफाइन करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे ग्राफ्स को यूज करते हुए हम तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमको कवर करना है और यही हमारी लास्ट टॉपिक हो जाएगी मोशन चैप्टर के अंदर, और वो टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन क्या होगा कि जब भी हमारा मोशन जो है वो सर्कुलर फॉर्म में हो रहा है, सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी, तो वो तो हो जाएगी सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हो गया कि जब भी बॉडी हमारी सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर पाथ कवर कर रही है, और उस पाथ को कवर करते वक्त उसकी जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो, या जो कह सकते हैं कि सेम स्पीड के साथ अगर मूव कर रहा हो, तो यही मोशन हमारा क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो यूनिफॉर्म है। तो इतनी टॉपिक्स को हमें कवर करना है क्लास 9th फिजिक्स के मोशन चैप्टर के अंदर। तो हमें सबसे पहला क्या देखा कि स्ट्रेट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो रिगार्ड इस तरीके से हमें कुछ रिस्पेक्टिव टॉपिक्स को कवर करना है और उसके बाद हम कुछ इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारी लास्ट टॉपिक हो जाएगी मोशन के अंदर। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी पहली टॉपिक है स्टेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसमें हम रेस्ट एंड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।